अरे भाई तीनों आदमी टहल के भी जेबो तो कहीं पहुंचा देगा कि तू श्रुति या सोने और देख ले भी बैठे हैं ना बच्चा तो तेरी भिजवा दी तू अब वो है कि हमारा आज पता चलता कि अभी गई रही नहीं क्या ये हो गया बात क्या लिखा है मैम छा गई चिंता मिट्टी मनोहर पेपर छा गई चाह गई है छा गई कि छा गई कि छा गई बिल्कुल बोले पैसा कल देंगे आपको हाँ ठीक है कितना पैसा हुआ इसका प्याज का हो गया 10 रुपया और दूध का 31 है कि 32 है जानते हैं 7:30 बजे निकले जानते हैं तुरंत हम निकलते हैं लेकिन जानते हैं कल जो है कल का बात बता रहे हैं आपको चाची जो है ना हर की जल्दी उतर रहे ऊपर हम फिर उसे बाथरूम समझे हम स्नान कर रहे थे तो आवाज़ दे रही थी ऊपर से आवाज़ लगा रही थी यहाँ नीचे गेट खुला हुआ था हल्का सा दान जानते हैं दिक्कत हो रखा है इसका गेट का तो सटाने के लिए कह रही थी चिल्ला रही थी पूरा ऊपर से हम निकले तो प्रसाद अंकल उधर से आए और तब तक वो सीढ़ी से उतर चुकी थी तो प्रसाद अंकल के सामने ना पूरा हमको बोलने लगी कि देखिए ना मैं इसको इतना ज़ोर से ऊपर से इतना आवाज़ कर रहे हैं इतना आवाज़ दे रहे हैं चिल्ला रही कर रहे हैं और कुछ आवाज़ें नहीं दे रहा है और ना अब ये जब मालिक है ये है तो अपने से काहे नहीं काम उम करवाता है ऊपर में नल उल चूता है नल जो है ऐसे ऐसे मुड़ा हुआ है ख़राब है चू रहा है काहे नहीं काम करवाता है अपने से जब इसी यही यहाँ का अभी सब देखता है काहे नहीं करवाता है फिर अंकल बोलने लगे कि देखिए यहाँ का आदमी इसको इधर उधर दौड़ा देता है ना तो हाँ तो हम बोले कि तो ये हर्ष की दादी क्या बोल रही है जब दौड़ाता है तो काहे नहीं बोलता है उसको जो दौड़ाता है उसको काहे नहीं बोलता है कि नीचे में बैठ के रहेगा तो हाँ देखिए हम बोल रहे हैं कि उनके सामने तो वो बोल हम नहीं पा रहे थे कि आप जब खुद बोल रहे हैं कि आप ही लोग जब दौड़ाते हैं तो आप लोग तो नीचे नहीं बैठते हैं क्या हाँ ना 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 हाँ ये प्रसाद अंकल भी उनको नहीं बोला उनको नहीं बोले प्रसाद अंकल क्यों बोलेंगे आप बोलते हैं प्रसाद अंकल क्यों बोलेंगे आप हाँ नहीं हम तो उनका डायरेक्टली नहीं बोले हम बोले कि देखिए जो भेजता है ना वो तो आप जो बोल रहे नियम जो है ये जिस दिन मीटिंग होता है उसी दिन नियम बनता है उसके दूसरे दिन से सीधा कान से निकल जाता है ये नियम साफ बात है और आपको उस टाइम बोलना चाहिए था कि आप लोग भी भेजते हैं तो नहीं बैठते हैं तो आपको भी डर बना हुआ है हमको सुना के क्या होगा उसके सामने उनके नहीं प्रसाद अंकल के सामने बोलेंगे ना उनको तो और चिड़ चिड़ लगेगा उनको चाची लगे। चाची को चाची हमको बोल रही है तो लड़ने दीजिए आपको बोले तो आपको भी चिड़ लगा ना हाँ चिड़ लगा तो उनको मतलब कि आप लोग मतलब खुद नियम बनाते हैं और उस पर रूल्स फॉलो नहीं करते हैं अब फिर उल्टा जो है हम ही को बोल रहे हैं कितना पैसा हो गया प्याज और ये 32 और 10 42
और जहाँ तक आप ये कहने जो बोल रहे हैं कि अपने से क्यों नहीं तुम काम करवाता है, अगर वहाँ का नल का नल ऊपर में है, छत में ना, ऊपर के नल से किसको काम है? हाँ ठीक है, नल ठीक है, वो जो किसको काम हो रहा है, काम नहीं ठीक है, वो जो बोल रही तुम काम काहे नहीं करवाया पल पल, ये सब बात बताइए, हमको डायरेक्ट नहीं बोल रही है, वहाँ पर खड़े हुए हैं प्रसाद अंकल तब बोल रहे हैं, सुना रही है, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं आंटी को, देखिए ऐसे भी जानते हैं ये क्या बोलते हैं, जैसे श्रीवास्तव आंटी है, उनका भेज दिए, हम फंसे हुए हैं यहाँ पे, जानते हैं ना, अपने से जब हम काम करने लगते हैं ना तो अपने ही पॉकेट से पैसा हमको लगाना पड़ जाता है, समझे, जब पैसा देने का बारी आता है ना तो सब एन ए भागने लगता है, पैसा देने का बात जब आता है तो उनके हर्ष की दादी को बोले, आप जो बोल रहे हैं अपने मन से काम कराने का, और फिर हमको बोल रही है ये जो ये दाढ़ी का है इसे बढ़ा कर रखा है, ये मतलब कि ढंग से रहता का नहीं है। तो हम बोले आप ही ना बोले कि 24 घंटा तुमको यहाँ, अभी प्रसाद अंकल बोल रहे हैं कि 24 घंटा तुमको यहाँ रहने का है, ड्यूटी करने का है, जब मैं 24 घंटा ड्यूटी रहने का है तो हम फिर दाढ़ियाँ कैसे बनाने चल जाएंगे? बर्ण बाल बढ़े दाढ़ी बढ़े तो मेरा 24 घंटा तो यहीं रहने का है, मेरा कुछो बढ़े। आप ही खुद अभी बोले हैं बाढ़ के पंड की शिकायत लेके आए, पहली बार बाढ़ आई है क्या बिहार में? नहीं सर, हर साल वही बाढ़ है आप लोगों के, और अपना काम शुरू कीजिए, कहीं हमें ना कार्रवाई करनी पड़ जाए। जी सर, चलिए प्रणाम सर। इन लोगों को लगता है मसूरी में कुछ और सिखाते नहीं, इसे बात बहाना बनाने के, हर साल का यही बहाना। ओहो क्या निष्पक्ष महामहिम, आइए वीरेन ठाकुर। महामहिम राहत कार्य में जुटे हुए, राहत का नाम देकर हमारे काम को छोटा ना करें महामहिम। राहत कहाँ बांटते, हम तो जनता में प्यार बांटते हैं। प्यार? हाँ, अब देखिए ना, इस बार के इलेक्शन में बड़े से बड़े सुर में सब बह गए, हम निर्दलीय होकर भी फिर से छक्का मार गए, अब ये सब जनता के प्यार के बिना कहाँ संभव था। अब बाढ़ आपदा का समय आ गया, अब हमारा टर्न है कि हम जनता को उनका प्यार बताएं। फौरन पटना के लिए पूछ करो, पटना मांगे समझ गया, सब समझ गया मामा। सीएम भीमा बनेगा या नवीन बाबू, इस बात को लेकर अभी भी घमासान मचा हुआ है, लेकिन उनके मंत्रिमंडल में पशुपालन मंत्री में आपका शिष्य आपका गुलाम वीरेंद्र चंद्र प्रकाश ठाकुर बनेगा, ये तय है। मान गए उधर आपको, मान गया, आप जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति से पूरे ब्रह्मांड को नहीं देखे। अच्छा मैम थोड़ा सा पॉज कीजिए आंटी को, अच्छा उनका भी टी वी वाला ऊपर हाँ बुरा आपका टी वी का क्वालिटी में ऐसा लग रहा है कि आदमी बगल में बैठा हुआ, बगल में बैठा हुआ वैसा ही फील होता है। उनका 50 का है या 95 का है? 95,000 क्वालिटी का, क्या एचडी पीएचडी होता है ना कुछ कुछ? अच्छा अच्छा अच्छा, उसी में शायद, अच्छा 4K रिजोल्यूशन। साइज इतना इतना ही पड़ा है कि इससे किससे छोटा है? पिछली बार पशुपालन मंत्रालय ने हम आपके लिए काम करें, इस बार तो हम जान लगा देंगे, इतना मेहनत करेंगे कि आप देखिए बीसी फूड्स को मल्टीनेशनल कंपनी बनाकर छोड़ेंगे। ज्यादा उड़ो मत वीरेन, जितनी चाबी भरी गई है उतना ही चढ़ो, अभी अपने दोनों निर्दलीय विधायकों के साथ पटना पहुंचो।
बाकी बताते हैं। पिछड़ा सीएम बना तो अगले 20 साल तक पिछड़ा वोट पार्टी को ही मिलेगा। जेपी और लोहिया का भी तो यही सपना था।